प्रीमियम तत्काल में, उसके बाद भी इनने थर्ड एसी में किया और इनको इकोनॉमी कोच दिया। अब ये देखो बस लोग भरना शुरू हो गए। कितनी बोली थी थाली उन्होंने? 130 की। अब ट्रेन नंबर 12639 गंगा कावेरी एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को बिहार के छपरा से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन जर्नी के दौरान 2339 किलोमीटर कवर करती है 39 घंटे 55 मिनट के समय में 58 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। और आज इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं चेन्नई सेंट्रल से। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। भाई सब प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखो गंगा कावेरी एक्सप्रेस के लिए, तगड़ी भीड़ है एकदम, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, जरा भी जगह नहीं है यहाँ पर खड़े होने की। देख रहा हूँ आगे इस साइड, तो ये आ गई अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस WDN 7 लोकोमोटिव के शंटिंग लोकोमोटिव के साथ। तो भाई साहब ये देखो बस लोग भरना शुरू हो गए कैसे भी जर्नल कोच में। और आज इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं थर्ड एसी में, और अपना जो कोच है वो है B4। ये रहा अपना कोच, चलो चलते हैं अंदर। तो ये भाई अपने कोच का फर्स्ट लुक, और अपनी सीट जो है 54 अपर बर्थ, ये रही। बाकी अभी तो मेंटेनेंस वगैरह हम देख रहे हैं, साफ सफाई बढ़िया है अभी तो ट्रेन में। तो लगेज वगैरह रख के अब हम बाहर आ गए हैं अपने कोच के। अभी एसी वगैरह भी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी शंटिंग हुई है, उसके बाद लोको वगैरह लगेगा, उसके बाद एसी चालू होगा। और गर्मी बहुत जबरदस्त है भाई, बाहर तो है ही, अंदर उससे ज़्यादा हो रही होंगी, पूरा बंद है। और बाकी अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई गई है, और नॉर्मली यहीं से ये ट्रेन जो है जाती है। और बाकी भाई साहब भीड़ और टिकट मिलना तो बहुत इम्पॉसिबल है, समझ लो इस ट्रेन में भाई, बड़ी मुश्किल से हमको टिकट मिला, और कैसे कैसे मिला ये बताएंगे हम आपको। चलो अभी थोड़ी देर में ही टाइम होता है तो फिर हम लोगों की ट्रेन निकलेगी यहाँ से चेन्नई सेंट्रल से। तो अपने निर्धारित समय से करीब 10 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। तो 10 मिनट की देरी से अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंडे एंड सैटरडे को चेन्नई सेंट्रल से शाम को निकलती है 5:40 पे, और तीसरे दिन सुबह 9:35 पहुंचा देती है छपरा। तो अभी बस चेन्नई सेंट्रल के शेड के पास से हम लोग निकल रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर कितने सारे अपने इल्लू भाई खड़े हुए हैं, देख रहे हो इतने सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP 7 और WAP 4, ये सब खड़े हुए हैं मस्त। अभी बस अपनी ट्रेन निकली हुई थी, और थोड़े ही आगे चले कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, आगे ही साइड एक कोच में से हो गई है चेन पुलिंग। अब पीछे से जो है ट्रेन मैनेजर, मतलब जो गार्ड साहब है, वो आ रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। बाकी अभी एक भैया हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं। आप कहाँ तक जा रहे हैं? छपरा तक जा रहे हैं। इन्होंने थर्ड एसी में टिकट बुक किया, इनको जो कोच अलॉट हुआ वो हुआ 28, ठीक है। और इसमें जो ट्रेन में जो कोचेस लगे हैं ना थर्ड एसी के, वो 26 तक ही लगे हैं, उसके आगे लगाया हुआ है इकोनॉमी कोच M1 M2। और हमको ऐसा लग रहा है कि इनको थर्ड एसी का टिकट में इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया रेलवे ने, इसलिए अभी वो ढूंढने हैं, लेकिन कोच वगैरह मिल नहीं रहा, ये समस्या हो गई है। तो भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है ना, मतलब थर्ड एसी का पैसा लेके अगर इकोनॉमी में पैसेंजर ट्रैवल करेगा तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि कोच लगे ही नहीं और इकोनॉमी की बुकिंग हो नहीं रही है ऑनलाइन। तो जाहिर सी बात है कि वो जो दो कोच हैं वो V7 और V8 बना दिए ने इकोनॉमी के, बताओ पैसे ले रहे हो पूरे इसके, जबकि अंतर ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये ही इनने अंतर रखा है रेलवेज ने, लेकिन उसके बाद ही पैसा पूरा ले लिया और अब इकोनॉमी के जो है टिकट दे रहे हो थर्ड एसी के ऊपर। और वहाँ बाहर मेंशन भी नहीं है ये चीज़ कि B8 है, B7 है, M1 M2 लिखा है। तो अभी ये भैया हैं, इनके साथ में ही एक और पैसेंजर है, इनके साथ में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपका भी B8 दिया है? अच्छा, तो अभी देख के आए कौन सा कोच मिला है? M1। वही लग रहा था हमको कि इकोनॉमी कोच दिया है, बताओ। प्रीमियम तत्काल में, ज़्यादा पैसा टिकट पैसा दे के टिकट बुक किया इन्होंने प्रीमियम तत्काल में, उसके बाद भी इनने थर्ड एसी में किया और इनको इकोनॉमी कोच दिया गया M1। चलो भैया रेलवे इस चीज़ पर भाई सुधार करो, मतलब सुधार करना ही होगा आपको,
थर्ड एसी का आप पैसा लेके इकोनॉमी कोच दे रहे हो, ये तो गलत है ना। ठीक है आप ले जाइए, बहुत परेशान हो गए भैया इतनी देर से खड़े हुए हैं। वही तो परेशान हो रहे हैं आप लोग, जब से कम से कम आधा घंटा हो गया इन लोगों को परेशान होते हुए, और इतना सामान वामान भी ये सब लेके बैठे हुए हैं। तो अभी इसी ट्रेन की पेंट्री के वेंडर से लिए एक हमने ये चाय। वैसे इस ट्रेन में जो है ना वो पैकेट वाली चाय अवेलेबल ही नहीं है, है ही नहीं, पेंट्री में भी नहीं है। तो अभी लिए, वैसे बोल रहे थे अदरक इलायची सब है, देखते हैं कैसी है ना भाई, अदरक है ना इलायची है, ऐसा ही है। ट्रेन की चाय 10 वाली ये जो बेचते हैं तो बर्बादी हो चुकी है सही में, किसी भी ट्रेन में बहुत मुश्किल है कि ढंग की चाय मिल जाए, ये भी ऐसा ही है। निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग गुडुर जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 176 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और बाकी अभी तक अपन लोग 137 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं इस गंगा कावेरी एक्सप्रेस में, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे बिरयानी वगैरह और अपना जो चपाती वगैरह हो गया ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ से भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो भाई साहब जो चीज़ हम बोल रहे थे ना, ये देखो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगा रखा है, थर्ड एसी की जगह, ये सिस्टम है भाई रेलवे का कि थर्ड एसी में पैसेंजर टिकट बुक कर रहा है और मिल रहा है इकोनॉमी कोच। अब वो M2 था, ये M1 है, दो इकोनॉमी कोच हैं, थर्ड एसी की जगह, B7 B8 की जगह यही है, है? चलिए बाकी भाई ये है अपना कोच, और ये अंकल है जो भैया हैं ये वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ सीट कौन सा मिला आपको? ऊपर वाला। तो भाई थर्ड एसी का पैसे के बाद इकोनॉमी कोच मिल रहा है। पेंट्री से ऑर्डर किया था हम लोगों ने डिनर, जो कि थी वेज थाली, कुछ ही देर में आ जाती है हम लोगों की सीट पे, जिसमें दाल, एक सब्जी, राइस होते हैं और साथ में अचार और रोटी भी होती है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं दाल, तो दाल का टेस्ट भी सही था, एकदम थिकनेस अच्छी थी दाल की। उसके बाद हम लोग वेज जो सब्जी है वो टेस्ट करते हैं, तो इसका टेस्ट भी बढ़िया था, तो ओवरऑल खाना जो था वो सही था। वैसे ये थाली हम लोगों को अब जो है 80 रुपये की दी गई है, वैसे स्टाफ जब ऑर्डर लेने आए थे ना तो हमसे कह रहे 130 रुपये की है, 80 वाली नहीं। हमने भाई कैसे नहीं हो, तो पेंट्री में होनी चाहिए और होती ही है, उसके जब बोला है तरीके से तो फिर अब आ गई 80 वाली थाली, अभी तक थी नहीं अब आ गई है। और सामने एक पैसेंजर है, उन्होंने भी बोला, हमने बोला तो उन्होंने भी बोला, तो उनको भी फिर ला के दी। बाकी सब जगह 130 की चल रही है पूरी ट्रेन में, तो वही है, अगर आप बोलोगे तो मिल जाएगी, नहीं बोलोगे तो वही 130 वाली खाओ। पहले कितने ही बोली थी थाली उन्होंने? 130 की। अब कितने ही देखे गए? 80। अभी लिया नहीं पैसे, 80 है। नहीं 80 ही लेके जाएंगे अब। ये देख लो और भी पैसेंजर है उनके साथ भी, बोल के गया था ना कि 80 रुपए की है। हाँ, और भी पैसेंजर्स हैं सबके साथ ही यही कर रहे हैं ट्रेन में, 130 बोल रहे हैं, लेकिन भैया बोलने पर 80 का हो जाएगा। दो सौ 92 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग ओंगोल रेलवे स्टेशन, जिसको ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन के अंडर में, और अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस का यहां पर मात्र 1 ही मिनट का होल्ड है। और ओंगोल रेलवे स्टेशन पे देखो अभी अपनी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी तक हम आपको फूड वगैरह दिखाते थे, फूड के स्टॉल्स वगैरह बता देते थे यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ देखो भाई यहाँ पर तो एसेसरीज वगैरह, मतलब मोबाइल की शॉप है यहाँ पे, ये देखो लेमिनेशन वगैरह हो गया और कुछ एसेसरीज वगैरह फ़ोन की आपको मिल जाएगी, साथ ही बैक कवर, गॉगल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, तो ये तो नई चीज़ देखने को मिली खैर अपन को। चलो 1 मिनट का होल्ड था।
सुबह का टाइम था, अपनी ट्रेन में वेंडर्स वगैरह बेच रहे थे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में हमने ले लिया यहाँ पर उपमा वड़ा, जिसके साथ में हमको एक सांभर का पैकेट भी दिया गया। और अब बारी थी ब्रेकफास्ट को टेस्ट करने की। वैसे साउथ की ट्रेन्स में साउथ इंडियन फूड काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और उपमा का टेस्ट भी बढ़िया था, लेकिन अगर इसके संग नारियल की चटनी होती तो और मज़ा आ जाता। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं और अभी ले लिए हैं सुबह सुबह एक कॉफ़ी। वैसे चाय तो कल पी थी, वो तो एकदम बर्बाद, एकदम बकवास थी। देखते हैं कॉफ़ी, वैसे 10 रुपये की कॉफ़ी मिली हमको, 10 रुपये की कॉफ़ी आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। ऐसा नहीं कॉफ़ी पे ओवरचार्ज नहीं कर रहे हैं, बाकी तो हर चीज़ पे कर रहे हैं, पानी हो गया, खाना हो गया। खाने का हम कल बता ही चुके हैं, पानी का भी यही सीन था, 20 रुपये दिए, 20 रुपये लेके चलते बने। चलो कॉफ़ी देखते हैं, सही है कॉफ़ी का टेस्ट, मतलब चाय जो है ना उससे तो बहुत ही सही है। वही चाय की जगह कॉफ़ी आप पी सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग नागपुर जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता ही अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन के। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 15 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 223 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है, 15 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं। और यहाँ पर दो भाई बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रूट आके मिलते हैं, लाइन्स आकर मिलती हैं। एक आती है न्यू दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, और एक हावड़ा मुंबई मेन लाइन भाई साहब। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। चलो अब यहाँ से हमको जो है ऑरेंज बर्फी लेनी है यहाँ की, क्योंकि अभी प्लान्स जो है ना भाई बहुत गड़बड़ हो गए हैं, पूरे प्लान फेल हो गए हैं समझ लो। इस ट्रेन के आगे की जर्नी जो है ना क्यों हुई है, क्या हुई है, ये बताएंगे हम आपको। चलो पहले ले लेते हैं 5 ही मिनट का हॉल्ट है। तो ये रहा भाई अपना ऑरेंज बर्फी जो है नागपुर का हमने ले लिया है, ठीक है। ये खड़ी है अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और यहाँ पर ये बना हुआ है कमसम, तो यहाँ पर जो है फूड ऑन ट्रैक IRCTC का यहाँ पर मिल जाता है ये, तो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये यहाँ का लोकली बना हुआ ऑरेंज बर्फी। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं ना, अगर आपकी ट्रेन यहाँ आई है, तो यहाँ भी मिल जाएगा और प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर केले हो गए, संतरे हो गए और अंगूर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी बुक स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पर नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने हुए हैं। नागपुर जंक्शन से निकले हुए करीब 1.5 घंटा हो चुका है, और बाहर ऐसी तपती हुई गर्मी और अंदर एसी, ऐसा तगड़ा कॉम्बिनेशन है ना। बस अभी लेटे थोड़ा सा और उतने में ही नींद लग गई। जो उठे तो देखा बाहर चल रहा है अपना नागपुर इटारसी वाला घाट सेक्शन। वैसे ये जो घाट सेक्शन है इसको बरसात में कवर करो तो बहुत शानदार है, गर्मियों में तो ऐसा तप रहा है ना भाई साहब। बाकी अभी आमला जंक्शन आने वाला है, आमला जंक्शन का हम लोग स्किप लेंगे, जबरदस्त स्किप होता। अभी फिलहाल तो अपनी ट्रेन 110 के आसपास मेंटेन किए हुए है स्पीड, बाकी देखो अभी कैसा स्किप रहने वाला है। एक बार बहुत पहले हमने जो है दिखाया था आमला जंक्शन का स्किप, बहुत शानदार था वो, लेकिन मॉनसून के टाइम में था, मॉनसून में बहुत शानदार लगता है ये रोड। अभी फिलहाल तो मज़ा नहीं है।
1280 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बैतूल रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, टोटल 85 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे। वैसे इस रूट पे जब भी जर्नी करते हैं तो मैक्सिमम जो ट्रेन्स होती है ना वो स्किप कर देती हैं इस रेलवे स्टेशन को, तो कभी कवर करने का मौका ही बहुत कम मिलता है। लास्ट मतलब हमें लगता है 2 साल पहले हमने ये स्टेशन कवर किया होगा और अब जाके अब कर रहे हैं इस रेलवे स्टेशन को कवर। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और जो लंच था ना हमने ऑर्डर दिया था पेंट्री में, तो अभी आ चुका है यहाँ से, बैतूल रेलवे स्टेशन से पहले ही आ चुका था, लेकिन हमने सोचा पहले ये रेलवे स्टेशन कवर करते हैं उसके बाद फिर लंच किया जाएगा। तो अभी खाना रखा हुआ है और स्टेशन कवर करने के लिए हम रुके हुए थे। तो ये अपनी एक थाली जो अपन ने पेंट्री से ऑर्डर की थी, इसमें वही एक दाल, 2 एग की 1 करी, चावल, एक ये अचार दिया हुआ है, काय का अचार है, लेमन पिकल, साथ में ये रोटी दी हुई है पराठे की जगह। ठीक है, एकदम अभी मतलब खाना जो है ना हम लोगों को दिया गया ये थाली ठंडी ही सर्व की गई, गर्म खाना सर्व नहीं किया गया था। बाकी चलो देखते हैं कैसा टेस्ट। चलो सबसे पहले देखते हैं दाल टेस्ट करके, दाल फ्राई जो है इसका टेस्ट ठीक है, टेस्ट ठीक ठाक है। बाकी एक करी की करी देखते हैं, इसका टेस्ट भी ठीक ठाक है, बस काम चलाओ टाइप का। करी जो है एकदम पानी जैसी करी है इसकी, एक करी में तो मज़ा नहीं है। और खैर रोटियां तो देखो एकदम ठुर्रा हो गई हैं, रखे रखे ठंडी रोटियां हैं एकदम। और खैर ये अपन को जो एक थाली है ना ये पड़ी है 90 रुपीज़ की, पहले बोल रहे थे अवेलेबल ही नहीं है पेंट्री में, एक थाली ही नहीं है तो बोला तब लेके आए। इस मामले में तो पेंट्री का जो सिस्टम है ना पूरा भाई ये समझ लो बेकार है, ओवर प्राइसिंग हर चीज़ में। भाई साहब बस हम कर रहे थे लंच और बाहर आके देखा तो यहाँ तो मौसम एकदम जबरदस्त हो गया। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि गर्मियों में इतना बढ़िया मज़ा नहीं आता, सूखा सूखा तप रहा था और अब जाके पानी बरस गया इधर, ज़बरदस्त मौसम हो गया एकदम। और जो होता है ना स्टार्टिंग की जो बारिश होती है उसमें क्या होता है कि मिट्टी की जो खुशबू आती है वो एकदम ज़बरदस्त होती है, वैसा ही अभी मौसम है यार। स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, फ्रेग्रेंस, स्मेल नहीं फ्रेग्रेंस समझ लो इसको तो यार। इसे कहते हैं भाई साहब मौसम का धोखा, अभी इतना बढ़िया हो गया था आप देखो धूप आ गई, मतलब यार हम ऊपर वाली सीट पे अपनी अपर सीट पे बैठे हुए थे, मौसम अच्छा देख के नीचे आए थोड़ा सा पानी में बस हाथ गीले हुए और उसके बाद धूप आ गई और अब मालगाड़ी आ गई। तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग इटारसी जंक्शन, अब आपको वॉशरूम कंडीशन दिखा दें इस ट्रेन की। तो यहाँ पर देखो साफ़ सफाई तो बढ़िया मेंटेन है, मेरा थोड़ा बहुत गंदा है लेकिन मेंटेनेंस सही है। और बाकी बात करें वॉशरूम की तो यहाँ भी फ्रेग्रेंस वगैरह ठीक है, ओडोनिल वगैरह डाल के रखा हुआ है। और बाकी यहाँ पर हैंड वॉश और नल दोनों ही चालू है, साफ़ सफाई मिरर की भी देख लो ज़बरदस्त है, एकदम मेंटेन्ड है भाई वॉशरूम इस ट्रेन का। निर्धारित समय से 8 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन पे 4 लाइन्स आकर मिलती है, एक आती है नागपुर से जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं, एक जाती है जबलपुर की तरफ जिसपे अभी अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस चलेगी, और एक आती है मुंबई से जलगांव भुसावल होती हुई, एक आती है न्यू दिल्ली से भोपाल होती हुई। तो 4 मेन लाइन्स जो है यहाँ आकर मिलती हैं इटारसी जंक्शन पे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये इस रूट का। और बाकी यहाँ पर अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहीं पर हमको जो है ये ट्रेन डीबोर्ड करनी पड़ रही है, यहीं छोड़नी पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड ट्रेन है, आप लोगों को पता ही है टिकट ईजिली मिलता नहीं है। हमने इसमें टिकट किया हुआ था चेन्नई से छपरा तक पूरा, लेकिन वो भाई वेटिंग में ही रह गया, क्लियर ही नहीं हुआ। फिर करंट में हमको चेन्नई से लेके इटारसी तक इस ट्रेन का टिकट मिला, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो सोचा चलो अब भाई ऑप्शन भी नहीं है और इसमें मिल रहा है तो इसी में फिर टिकट एक बुक किया, और एक ही सीट खाली थी भाई करंट में भी, तो फिर इसमें बुक किया
तब जाके हमने सोचा चलो इस ट्रेन की सर्विसेज वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको तो दिखाई देंगे, और वो चीज़ें हमने आपको दिखाई भी। खाने पीने की भाई साहब बहुत बुरे हाल है इस ट्रेन में, मतलब ओवर प्राइस बहुत ज़्यादा बेचा यार, आप 50-50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वेज थाली पे, पानी की बोतल भी 20 रुपये की दे रहे हैं, 15 की बोतल 20 में, नहीं टोको तो टोकोगे तो कहीं खुला दो नहीं है तो फिर भाई लेके चल जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है ना। तो भाई पेंट्री इस मामले में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस ट्रेन का जो पेंट्री सर्विस वगैरह है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पैकेट वाली चाय भी इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, और जो इनकी चाय है वो 10 रुपये वाली वो है एकदम बर्बाद। खाने का टेस्ट कल रात का अच्छा था, सही था, लेकिन अभी का एकदम बर्बाद भाई साहब। इसलिए हम आपको बोलेंगे इस ट्रेन में आप ट्रैवल करो ना तो अपना खाना वगैरह अगर प्रबंध करके लेके चल रहे हो, अपने साथ लेके चल रहे हो तो वो बढ़िया है। इस ट्रेन का खाना तो बस ये समझ लो कि आपको काम चलाने वाला ही काम रहने वाला है। खैर इस ट्रेन की तो जर्नी हमको पूरी करनी थी, चेन्नई से छपरा हम पूरी जर्नी करना चाहते थे, लेकिन भाई क्या करें टिकट नहीं हो पाया, कंफर्म नहीं मिल पाया, इस वजह से यहीं तक की जर्नी करी है। बाकी कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब यहाँ से पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, अब हमको इस जाते छपरा फिर आगे अपने जो और टूर में और आगे जो ट्रेन थी उनमें जर्नी करते, लेकिन अब एक जो है ना चेन टूट गई ना, अब बीच में अब हमने यहाँ से जो है इसके बाद अभी इसके पीछे आ रही जीटी एक्सप्रेस, जीटी एक्सप्रेस में टिकट क्यों, अब यहाँ से जाएंगे झांसी, एक दो दिन झांसी में घर पर रुकेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे टूर पर। एक भाई चेन टूट गई ना, अब क्या करें, इस चक्कर में बीच में हमको जीटी में भी हमने करंट में ही टिकट बुक किया इटारसी से झांसी तक का, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। चलो आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।